हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय भैया, जो हमें ट्राईपॉड की रेंज बताएंगे। भैया बताइए, स्टार्टिंग जो ट्राईपॉड है आपके यहाँ पे, वो किस प्राइस से शुरू हो जाता है? ये ट्राईपॉड है, ये तकरीबन 200 रुपए का होता है। ओके। और उसके बाद ये आता है गोरिल्ला, ये 200 के समथिंग का होगा ना? हाँ। और इसकी हाइट कितनी हो जाती है इस वाले ट्राईपॉड की? 2 से 3 फीट के बीच। ओके। और ये फिर होता है गोरिल्ला, गोरिल्ला ट्राईपॉड, ये 250 रुपए का होता है, बॉल्स वाला होता है। अच्छा, ये वो जो फ्लेक्सिबल वाले होते हैं, कहीं पे भी आप इनको बांध सकते हो, ये उस टाइप के होते हैं ना? उस टाइप के होते हैं। ओके। और उसके बाद और भी अगर आप अच्छा लेना चाहते हैं, अगर ब्लॉग वगैरह बनाने के शौकीन हैं, तो ये वाला ले सकते हैं, जो कि मैम ने लिया है। ओके। तो ये किस प्राइस रेंज में पड़ जाएगा? ये तकरीबन 400 रुपये का। अच्छा, ठीक है। और इसमें भैया आजकल एक वो चीज़ भी आती है ना, माउंट, जिसमें माइक्रोफोन जो कनेक्ट हो जाता है, इसके साथ जो माउंट होता है, एक्स्ट्रा में लेना चाहे तो ये होता है, इसके अंदर आप माइक भी होल्ड कर सकते हैं। ओके। और अगर नॉर्मल लेना चाहें तो नॉर्मल भी हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। और अगर इससे बढ़िया आप प्रोफेशनल ट्राईपॉड में जाना चाहते हैं, तो ये तकरीबन 6 फीट हाइट का होता है, डीरेटेक कंपनी का होता है जी, ये तकरीबन 1400 रुपये का होता है। इसके अंदर आप कैमरा, मोबाइल सब माउंट कर सकते हैं। ओके। तो मतलब माउंट जो है वो इसमें ऑलरेडी आता है ना? बिल्कुल, इंक्लूडिंग है, इनके साथ ही देना है। जी जी जी। तो इसमें अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ये शायद फुल लेंथ का होगा भैया? नहीं मैम, इसकी हाइट तकरीबन 5.5 से 6 फीट की होगी। ओके। तो 6 फीट की हाइट का भी आपको यहाँ पर ट्राईपॉड मिल जाएगा। और इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज 1400 रुपये के करीब होगी। अगर यही ट्राईपॉड आप ऑनलाइन देखेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी रेंज में मिलेंगे, बट आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी और रीजनेबल रेंज में मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर और भी आपको ट्राईपॉड की रेंज मिल जाएगी, काफ़ी सारे ट्राईपॉड। ये देखिए, इस तरह से आपको काफ़ी सारे ट्राईपॉड यहाँ पर मिल जाएंगे। ये वाला दिखाइए भैया, ये किस कंपनी का ट्राईपॉड है? ये बड़ा सा लग रहा है, फोटोन कंपनी का होता है। ओके। इसकी शायद हाइट फुल होगी, मे बी एल्यूमिनियम बॉडी का होता है जी, और इसकी हाइट अप्रॉक्स 6 फीट होती है। अच्छा, ये देखिए, 6 फीट हाइट का ये ट्राईपॉड है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का ट्राईपॉड चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पर बता सकते हैं, तो इस हिसाब से भैया आपको वो चीज़ें मंगवा भी देते हैं, है ना भैया? बिल्कुल। और आपको लाइटिंग का फुल सोल्यूशन मिलेगा, यूट्यूबर हैं तो उसके लिए बल्ब होल्डर लाइट्स वगैरह, रिंग लाइट वगैरह सब अवेलेबल जी। और भी इसके ऐड ऊपर मिल जाती है अगर आपको और हाइट की रिक्वायरमेंट है। ये देखिए, इस तरीके से इसकी हाइट और भी आप ऊपर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी हाइट हो जाती है इसकी। फुल्ली एल्यूमिनियम बॉडी होती है, एल्युमिनियम बॉडी का बना हुआ है, काफ़ी कंपनी अच्छी है इसकी, फोटोन कंपनी का नाम शायद आपने सुना होगा, तो उस कंपनी का है ये। मटेरियल भी इसका काफ़ी अच्छा है, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आप जयपुर से हैं या फिर जयपुर के बाहर से हैं और एक अच्छे ट्राईपॉड की तलाश में है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा आप बाहर भी भेज देते हैं क्या भैया? बिल्कुल मैम, अगर आपके कोई भी सब्सक्राइबर या व्यूअर हैं, वो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं और हम उन्हें डिलीवर भी करवा देंगे। ओके। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप कांटेक्ट करते हैं, तो आपको घर पे भी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी, जो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, बस आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना है और पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं ऑनलाइन, और सारी चीज़ें आपके पास प्रोडक्ट पहुँच जाएंगे। तो चलिए, अब हम प्रोडक्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिंग लाइट। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह की रिंग लाइट भी आपको मिल जाएगी, ये 1000 रुपीज़ की है, और बड़ी वाली जो है, बड़ी वाली है वो 3000 रुपये की होती है विद स्टैंड। ओके। विद स्टैंड आपको 3000 रुपीज़ के मिल जाएगी। और ये वाली रिंग लाइट, इसमें स्टैंड मिलेगा भैया? अच्छा, पीछे वाला स्टैंड आएगा, ये वाला स्टैंड आएगा रिंग लाइट के साथ। रिंग लाइट के साथ देखिए, इस तरह का स्टैंड आता है, आप देख पा रहे होंगे, 9 फीट हाइट होती है, फुल्ली मेटल बॉडी का होता है। देखिए, ये वाली जो आगे वाली रिंग देख रहे हैं अभी, 1000 रुपीज़ की है, और बड़ी वाली रिंग 3000 रुपीज़। ओके। इसके अलावा भैया और भी रिंग मिल जाती होंगी जो छोटी हाइट में होती होंगी? इसके अलावा ये एक बल्ब होल्डर सॉल्यूशन होता है, जो यूट्यूबर, जो टीचर्स वगैरह हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट में रहता है। ओके।
ग्रीन स्क्रीन वगैरह सब अवेलेबल होती है। जी जी जी, तो इसमें क्या होता है, इसमें बल्ब लगाने चार बल्ब लगेंगे, सब स्टैंड वगैरह सब साथ में लेंगे और तकरीबन ये 4500 रुपए की होती है, जिसमें आपको दो सेट मिलते हैं प्रॉपर। अच्छा। जिसमें आपको दो होल्डर, 8 बल्ब और दो अम्ब्रेला, दो स्टैंड, फुल सेटअप मिलता है इसके लिए। ओके, तो यानी कि अगर आप थोड़ा बड़ा सेटअप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको भैया सजेस्ट करेंगे कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट लेने चाहिए। तो इस तरह के बल्ब वाले सेटअप भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और भैया ये वाली जो लाइट्स हैं, ये छोटी लाइट हैं क्या? हाँ, फोटोग्राफी लाइट होती है जो आप ऑन कैमरा माउंट कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप कोई फोटोग्राफर हैं, हाँ, और अगर आपको लाइटिंग की जरूरत रहती है तो इसके ऊपर आप मतलब अपने कैमरा के ऊपर इस लाइट को माउंट करके लाइट दे सकते हैं। ओके, तो और ये किस रेंज में होती है? ये शायद फोन में तो काम नहीं करती होंगी। फोन में काम नहीं करती, ऑन कैमरा ही काम करती है। ओके, तो देखिए ये वाली इस तरह की लाइट, इसको खोल के दिखाइए किस तरह की होती है। ये देखिए इस तरह की बैटरी वाली लाइट्स होती है। यहाँ पर माइक की एक और क्वालिटी, बोया कंपनी जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, मतलब मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं कि बोया के माइक बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, बेहतरीन होते हैं। तो इसी तरह का एक माइक हम भैया को बोलते हैं खोलने के लिए। भैया ये किस रेंज में है? अप्रॉक्सिमेट 500 रुपीज़ का होगा। ओके, ये 500 रुपीज़ का है माइक, और देखते हैं इसमें क्या क्या हमें मिल रहा है इस माइक में। देखिए ये कॉलर माइक है, एकदम लेवल माइक है, इसको आप ये देखिए, ये कंडेंसर होता है ना जी, इसके अंदर आप चाहो तो कैमरा में और चाहो तो स्मार्टफोन में भी यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन दे रहे हैं। दोनों ऑप्शन और इसके साथ इसका, इसके साथ इसमें इसके आपको ये नेपल जो अपने कॉलर में लगाने के लिए, कॉलर में लगाने के लिए, इसके साथ एक माइक फ्री आता है, ये सेल, सेल इसके साथ एक सेल फ्री आता है। अच्छा, तो ये सेल से चलते हैं। हाँ, और इसके साथ ये बफ आता है। ओके, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि बोया के माइक लेने चाहिए एज ए बिगनर? मैम क्वालिटी वाइज देखी जाए तो बोया बेस्ट है, लेकिन अगर उससे भी बेस्ट अगर आपका मतलब कि बजट वगैरह सही रहता है तो मैं रिकमेंड ज़्यादा मेरे सबको करता हूँ, क्योंकि okay. इसकी क्वालिटी बेस्ट एंड बेस्ट रहती है और इसकी वारंटी भी होती है, बोया की कोई वारंटी नहीं होती। तो देखिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आपको बोया के माइक की जो है ना, आपको इसमें किसी तरह का कोई बिल मिलता है बोया के माइक में? इसमें देखिए, इसमें माइक में आपको किसी तरह का कोई बिल भी नहीं मिलेगा, इसमें कोई वारंटी भी नहीं होती है। बट ये जो मिर्फा के माइक्स हैं, इसमें आपको वारंटी भी मिलेगी और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी बता रहे हैं भैया। इसको भी भैया थोड़ा अनबॉक्स करके दिखाइए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड होती हैं। इसके अंदर एक आपको अच्छा सा बैग भी मिलेगा जिसके अंदर अपना आप माइक अच्छे से कैरी कर सकते हैं। ओके, ये देखिए मतलब काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया है इस माइक को, ये देखिए। और इसकी वायर की लेंथ कितनी होगी भैया? अप्रॉक्स 6 मीटर, 6 मीटर के आसपास इसकी वायर होती है जी। और इसके साथ आपको ये लेपल साथ मिलता ही है जी, और ये इसके साथ सेल भी है, और ये वो ये कॉलर वाली एक्स्ट्रा के अंदर मिलती है, जो कि बोया में एक सिंगल ही आती है, अगर ये खराब हो जाए तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा मिलती है। ओके, तो यानी कि देखिए इसमें ना आपको 6 मीटर का एक तो वायर मिलेगा, ये देखिए, और इसके साथ आपको एक और क्लिप मिलेगी जिसमें हम हमारा जो माइक है उसे अटैच करते हैं, कॉलर क्लिप, और एक सेल भी इसके साथ आपको प्रोवाइड होगा, ये देखिए। और इसके अलावा शायद एक इसमें ये और क्या है भैया? ये आप एक्स्ट्रा कोई मतलब बड़े कोई डिवाइस के अंदर जहाँ ये 4.5 का जैक लगता है उसके अंदर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा जैक भी मिल रहा है, जैसे अगर आपको कोई बड़ी डिवाइस है उसके साथ अपने माइक्रोफोन को अटैच करना है, उसके लिए ये भी जैक मिला हुआ है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है मिर्फा का भी, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास बोया का माइक है तो अच्छा है, लेकिन आप एक बार मिर्फा का माइक भी ट्राई करके देखिए, इसके भी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम, और ये देखिए इस तरह से काम करता है जैसा कि इसमें बताया गया है। हाँ भैया बताइए ये कैसे वर्क करता है? ये पावर का बटन है इधर, तो पावर ऑन करिएगा। ओके, उसके बाद मतलब इसका डीबी सिस्टम रहता है, अगर आपको एयर नॉइज़ ज़्यादा आ रही है तो इसको माइनस में कर लीजिएगा। ओके, और अगर आपको नॉइज़ ज़्यादा चाहिए आप इंडोर शूट कर रहे थे इसको प्लस में कर लीजिएगा। अच्छा, ये पूरी तरह से वायरलेस होता है ना? इसके अंदर आपको विदाउट लेपल भी काम कर सकते हो, इसके अंदर वैसे ही माइक रहता है।
और इसके अंदर आप लेपर लगा के भी काम कर सकते हो। ओके, ये फोन में हो जाता है? फोन से कनेक्ट हो जाता है और कैमरा से भी हो जाता है। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर हाई क्वालिटी के माइक भी मिल जाएंगे। ये देखिए भैया लगा के बता रहे हैं इसको कैसे यूज करना है। हेलो हेलो हेलो, माई टेस्टिंग 1 2 3। हेलो 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 हेलो, थैंक यू। क्या दिखा रहे हैं आप? ये होती है, ये ट्राइपॉड बन जाता है और ये सेल्फी स्टिक भी बन जाती है। ओके, तो 2-in-1 काम करती है ये ना? और ये विद ब्लूटूथ सिस्टम है, इसके अंदर आपको वायरलेस है एकदम। अच्छा। आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, ये सेल्फी स्टिक बन गई। ओके, और ये ट्राइपॉड बन गया। 300 का होगा। अगर इसमें आप बेस्ट क्वालिटी का लेना चाहते हैं तो ये फोटोन कंपनी का आता है जी। ये और भी एकदम बिल्कुल पेन जैसा होता है, वो भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से काम करता है, ये बेस्ट क्वालिटी की चीज़ है, ये फोटोन कंपनी का होता है। ओके, तो देखिए ये भी काफ़ी यूजफुल चीज़ है। ये देखिए ये ट्राईपॉड भी बन जाता है अगर आपको ट्राईपॉड की तरह इसे यूज़ करना है तो। और ये देखिए ये सेल्फी स्टिक भी बन जाता है। और ख़ास बात ये है कि इसमें किसी तरह का कोई वायर नहीं है, ये पूरी तरह से ब्लूटूथ से काम करता है। ये देखिए फोटोन कंपनी का है। और इसकी रेंज क्या है भैया? 750 का। ये देखिए ये वाला 750 की रेंज का है और ये वाला 300। ये 300 के अराउंड आपको पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप यहाँ आ जाइए, आपको सारी चीज़ें ब्लॉगिंग से रिलेटेड, फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड मिल जाएंगी। ये भैया आप क्या दिखा रहे हैं? ये मैम इटालियन ब्रांड है मैन फोटो, इसके भी हमारे यहाँ फोटोग्राफी के सारे इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं। इसके अंदर आप चाहें ब्रांड हो चाहे नॉन ब्रांड हो, ओके, तो दोनों ही चीज़ अवेलेबल होती है। अगर आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं। अच्छा, ये छोटा ट्राईपॉड है। छोटा ट्राईपॉड है जी। ये बहुत ही कूल है, एकदम लाइट वेटेड और हैवी क्वालिटी का होता है। ओके, ये देखिए ये छोटा ट्राईपॉड है, इसमें हम दोनों चीज़ें लगा सकते हैं ना, फ़ोन और कैमरा दोनों? बिल्कुल, ये बिल्कुल स्टेबल रहेगा और इसको पुश करके ही इसको आप कर सकते हैं, और जहाँ पे भी आपको रोकना है उसको वहाँ इसको छोड़ दीजिए, वहाँ रुक जाएगा। ओके, और इसकी प्राइस रेंज क्या है भैया? ये तकरीबन 2500 रुपये का होता है। ओके, तो ये देखिए 2500 का प्रोडक्ट है। और इसमें आपको और भी कलर्स वगैरह मिल जाएंगे इसमें? नहीं नहीं, एक ही कलर आता है। इसमें कलर एक ही मिलेगा, बट ये है ये काफ़ी हाई क्वालिटी का है। और अगर